नमस्कार न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आज नजर डालते खेल से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। आईपीएल नीलामी में राजस्थान ने लगाए जयदेव पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए का दाव। फुटबॉल में लिवरपूल से मैच हारने के दो दिन बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोच मोरिन्हो को हटाया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और रोमानिया के सिमोना हालेप को ITF वर्ल्ड चैंपियन चुना। हालेप को पहली और जोकोविच को छठी बार मिला है ये अवार्ड। प्रो कबड्डी लीग में बेंगलुरु के बुल्स ने तेलुगु टाइटंस को चटाई धूल। प्लेऑफ में 44-28 से बनाई जगह। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर ने हरियाणा को 39-30 से दी मात। मेसी ने रोनाल्डो को छोड़ा पीछे, पांचवी बार जीता गोल्डन शू अवार्ड। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, ओकुहारा को हराकर पहली बार जीता वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब। कपिल देव ने माना कोहली नहीं धोनी है भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर। आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस की तरफ से धमाका करेंगे हिमाचली खिलाड़ी पंकज जायसवाल। आईपीएल ऑक्शन में चुने जाने वाले तीसरे कश्मीरी क्रिकेटर बने रसिक सलामदार। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।